शिवपुरी के चक्रामपुर में खूनी संघर्ष में बीजेपी के पोलिंग एजेंट समेत 3 की मौत से आक्रोशित क्षत्रिय समाज ने नरवर में किया चक्का जाम। शिवपुरी जिले के चक्रामपुर गांव में चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी के पोलिंग एजेंट समेत 3 लोगों की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। चुनावी हिंसा में 3 लोगों की मौत के बाद जहां गांव में भारी तनाव फैल गया है, वहीं घटना से आक्रोशित क्षत्रिय समाज के लोगों ने शनिवार की शाम को नरवर पुलिस थाने के सामने सड़क पर चक्का जाम कर दिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। फिलहाल मौके पर चक्का जाम की स्थिति बरकरार है। ये जो यहाँ पे नरवर थाने के सामने सड़क पे जाम लगा के बैठे हुए है पूरा समाज, तो आखिर क्या कारण है, मतलब क्यों बैठा हुआ है? जो कल भारतीय जनता पार्टी का कल मतदान था पूरे मध्य प्रदेश में, जो कि हमारा एजेंट भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था, उसने जो वैसावासी कुशवा समाज के लोगों से भारतीय कांग्रेस पार्टी के लोगों से चक्रामपुर में थोड़ी सी वैसावासी हुई थी। इसके बाद में जो हमारे समाज का ठाकुर समाज का एक घर चक्रामपुर में था, उसमें जाकर के शाम को करीबन 8:30 बजे पूरी कुशवा समाज ने चक्रामपुर की इकट्ठे होकर उसके घर में हमला किया है और उनके 7 लोग उनके परिवार में थे, उनमें 3 लोग जान से मर गए हैं, बाकी की 2 मरनासन में कभी भी मर सकते हैं और एक में तो पटक के उनने गाड़ी में बंद करके वो जिंदा गाड़ी में आग लगा दी और उसमें जिंदा जला है। और पुलिस प्रशासन हमारी बिल्कुल नई मांग सुन रही है, उसके बारे में हम जो चक्का जाम हमारी जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो चक्का जाम करे हुए हैं, हम अपनी न्याय की मांग कर रहे हैं कि उनका जो मकान है उनका टूटा जाए, विधिवत उन पर कार्रवाई की जाए। इसलिए हम लोग पुलिस प्रशासन कोई सुन नहीं रही है, इसलिए हम लोग जाम लगाए हैं। हम अपनी न्याय की हक की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे।